हेलो दोस्तों, वेलकम यू इन वाईफाई नॉलेज हब। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 को हम लोग सॉल्व करेंगे और डिटेल में उन क्वेश्चन को देखेंगे कि आखिर उनको सॉल्व करने की कौन सी टेक्निक होती है। क्वेश्चन 8 और 9 इसलिए क्योंकि क्वेश्चन 8 और 9 वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि उस तरीके के क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन के रूप में आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो पे शुरू से अंत तक आप बने रहिए और क्वेश्चन को डीपली कंसंट्रेट होकर समझने की कोशिश करिए। और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल से जुड़ी कोई भी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो क्वेश्चन है, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 किमी पर आवर, हाउ मच एरिया विल इट इरिजेट इन 60 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि कैनाल है, कैनाल मतलब जानते ही होंगे नहर है और नहर से पानी जा रहा है। तो जो नहर की वाइडनेस है, चौड़ाई है, वो है 6 मीटर और नहर की जो गहराई है वो है 1.5 मीटर और जो नहर में पानी फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड है 10 किमी पर आवर। तो बताना ये है कि उस नहर से, नहर की सब डायमेंशन दिया हुआ है बस नहर की लेंथ नहीं दिया हुआ है, 30 मिनट में कितने खेतों की सिंचाई होगी और खेतों में पानी का लेवल कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। यानी एक नहर है 6 मीटर चौड़ी, 1.5 मीटर गहरी और उसमें जो पानी है 10 किमी पर आवर की स्पीड से रन कर रहा है, तो उस नहर द्वारा 30 मिनट में कितनी खेतों की सिंचाई होगी, ऐसे खेतों की जिनमें पानी का लेवल कितना हो जाए सिंचाई के बाद, 8 सेंटीमीटर हो जाए। तो देखिए करेंगे क्या, पहले कि नहर का वॉल्यूम यानी 30 मिनट समय का वॉल्यूम निकालेंगे कि 30 मिनट में उस नहर के कितने वॉल्यूम का वाटर इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि पहले इसकी स्पीड जो है, स्पीड को देखेंगे कि 30 मिनट में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, यानी जो पानी है ये 30 मिनट में कितना दूर जाएगा। स्पीड देखिए, स्पीड गिवन है 10 किमी पर आवर और 30 मिनट में हमें देखना है, यानी स्पीड का मतलब कि 1 आवर में 10 किलोमीटर। यानी जो कैनाल में पानी फ्लो हो रहा है वो 1 आवर में 10 किलोमीटर दूरी ट्रैवल करता है, लेकिन हमें 30 मिनट से केवल मतलब है क्योंकि इरिगेशन केवल 30 मिनट में पूछा गया है। तो 30 मिनट यानी हाफ आवर, जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट, तो 30 मिनट यानी हाफ आवर, हाफ आवर में, या कह सकते हैं कि 30 मिनट्स में ये पानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, यानी टाइम हाफ हो गया तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो मान लीजिए कि एक नहर जो है वाइड दिया हुआ है 1.5 मीटर और हाइट इसकी दिया हुआ है, वाइडनेस 6 मीटर है, हाइट इसका दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो ये नहर का पानी 5 किलोमीटर तक यानी 5 किलोमीटर तक लंबी इस नहर में जितना पानी आएगा वो पूरा पानी यूज हो रहा है खेतों की सिंचाई के लिए। ठीक है, तो यानी इसका एल निकल आया 5 किलोमीटर, बी निकल आया 6 मीटर, वो तो गिवन ही है, और एच आ गया 1.5 मीटर। तो नहर एक तरीके से क्यूबाइडल शेप में इसको कंसीडर कर सकते हैं और क्यूबाइडल का वॉल्यूम जानते ही हैं कि एल इंटू बी इंटू एच यूनिट क्यूब होता है। तो ये तो एल भी आ गया, बी भी आ गया, एच भी आ गया,
ठीक है। आपको खेतों के एरिया बताना है कि कितने एरिया में सिंचाई होगी। तो खेतों में देखिए हाइट आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो हाइट को आप क्या कर सकते हैं, मीटर में चेंज कर लीजिए 8/100 मीटर। और खेतों के एरिया क्या होगा, एरिया पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू बी आपको बताना है कितना होगा। तो देखिए नहर के 5 किलोमीटर लेंथ का जो वॉल्यूम होगा वाटर का, उसको किसके वॉल्यूम के इक्वल कर देंगे, जो खेतों का पूरा वॉल्यूम होगा, पूरे खेत का वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच के इक्वल कर देंगे। यानी इस नहर का वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, ये किसके इक्वल हो जाएगा, खेतों के वॉल्यूम के। और खेतों का वॉल्यूम कितना है, खेत यानी जो फील्ड दिया गया उसका वॉल्यूम, तो फील्ड का वॉल्यूम भी हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। नॉर्मली हम यहाँ पे सबकी वैल्यू को पुटअप कर लेंगे और इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो जो कैनाल है उसकी लेंथ गिवेन हो गया 1.5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ना 5000 मीटर, तो एल के प्लेस में 5000 कर लीजिए। कैनाल की जो वाइडनेस है 6 है और जो हाइट है, 1.5 मीटर, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है खेतों के वॉल्यूम के। और खेतों का वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, जिसमें आपको एल इंटू बी यानी खेत की एरिया निकालना है, वॉल्यूम पता ही है, एरिया इंटू हाइट होता है, तो एल इंटू बी आपको फाइंड करना है। एच इसमें गिवेन है, गिवेन था 8 सेंटीमीटर, यानी खेतों में पानी का लेवल 8 सेंटीमीटर चाहिए, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 8/100 हो जाएगा। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो एल इंटू बी हो जाएगा 5000 इंटू 6 इंटू 1.5, और ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होके जाके वहाँ मल्टीप्लाई हो गया। और इसमें का जो इधर 8 बच रहा है, ये 8 आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे 4, ये हो जाएगा 3, और फिर इसको कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा 2500। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया 2500, तो 2500 यहाँ पे बचा 3, और इसको नीचे साफ से कर लीजिए, यहाँ पे 2500 इंटू 3, 100 का 1.5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150 और अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 चांस में कैंसिल हो जाएगा, 25, 100 कर लीजिए और इस 3 को 75 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 का 75 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 22, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2500 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 225 से, तो हो जाएगा 0 0 और 25, 12, 0 0 और ये हो जाएगा 10 0 5, 0 0 5, 0 0 5 2 6 5, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 5 6 2 5 0 0, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर।
यानी इतने 5,62,500 मीटर स्क्वायर खेतों की सिंचाई होगी। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि इस क्वेश्चन में बोला गया कि वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 किमी पर आवर, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो इसमें बोला गया है कि जो कैनाल है वो 6 मीटर वाइड है और जो कैनाल की हाइट है वो 1.5 है और उसमें जो पानी फ्लो कर रहा है वो 1.10 किमी पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है। तो पूछा ये गया है कि अगर इस नहर से सिंचाई हो रही है और सिंचाई आधे घंटे तक हो रही है, ठीक है, तो कितने खेतों की एरिया सिंचाई की जा सकती है और खेतों में पानी का लेवल कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 30 मिनट में ये फाइंड करेंगे कि 30 मिनट में वो पानी कितना दूर जा रहा है कैनाल का, ठीक है। तो 30 मिनट में पानी जितना दूर जाएगा वो कैनाल का एल बन जाएगा और बी और एच कैनाल का दिया है तो क्यूबाइडल शेप की तरह कंसिडर करके और उस पूरे नहर का पानी क्या कर सकते हैं, एल इंटू बी इंटू एच वाला फॉर्मूला यूज करके आप पूरे उस नहर के पानी के वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। और जो नहर का वॉल्यूम होगा 30 मिनट लेंथ का, 30 मिनट में जो पानी का जो वॉल्यूम होगा नहर का वो किसके इक्वल हो जाएगा, खेतों के वॉल्यूम के। खेतों का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो पता है एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो एल इंटू बी मतलब खेतों की सिंचाई जब करनी है तो एल इंटू बी यानी खेतों का एल इंटू बी और इंटू एच। तो खेतों में बस इतना दिया गया कि जो पानी का लेवल है वो 8 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कर लिए हैं 8/100 और दोनों के वॉल्यूम को क्या कर लिए हैं, इक्वल कर लिए हैं, यानी कैनाल के वॉल्यूम को और फील्ड के वॉल्यूम को इक्वल कर लिए हैं। और बस इसको नॉर्मली कैलकुलेट करके एल इंटू बी मतलब ये खेतों की एरिया हो गई और इसको फाइंड कर लिए तो आपका आंसर आ गया है। तो इसको इस तरीके से नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड व्हिच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किमी पर आवर इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। यानी इसमें बोला गया कि एक फार्मर है, किसान है, जो एक पाइप को नहर से ला रहा है और नहर से पाइप को ला के कहाँ पर कनेक्ट कर रहा है, एक सिलेंड्रिकल टैंक में कनेक्ट कर रहा है, यानी जो पाइप ला रहा है उसको एक सिलेंड्रिकल टैंक में कनेक्ट कर रहा है। अब इसमें जो डेटा गिवेन है वो ये है कि जो ये टैंक का डायामीटर है वो कितना है, टैंक का जो डायामीटर है वो दिया है 10 मीटर, तो डायामीटर टैंक का है 10 मीटर और जो टैंक की हाइट है यानी गहराई डीपनेस जो है हाइट टैंक की ये है 2 मीटर। तो देखिए अगर डायामीटर इसका 10 मीटर है तो टैंक का रेडियस कितना हो जाएगा, डायामीटर का हाफ हो जाएगा यानी 10/2 5 हो जाएगा, यानी इस टैंक का जो रेडियस हो जाएगा वो 5 मीटर हो जाएगा और इसकी हाइट दिया ही है 2 मीटर। अब इस पाइप को देख लेते हैं, पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, यानी जो पाइप है जिस पाइप को कैनाल से ला रहा है टैंक तक कनेक्ट करने के लिए उसका जो डायामीटर है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी पाइप का ये डायामीटर 20 सेंटीमीटर है तो पाइप का रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, यानी इस डायमेंशन के पानी से, इस डायमेंशन के पाइप से पानी लाया जाए तो ये जो टैंक है वो कितने टाइम में भर जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। तो देखिए ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं इनमें सबसे पहले करते क्या है कि पाइप का वॉल्यूम और टैंक का वॉल्यूम दोनों को इक्वल कर लेते हैं। पाइप भी सिलेंड्रिकल है, टैंक भी सिलेंड्रिकल है और इनका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच ही यूज होगा, ठीक है। तो पाइप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच
और टैंक का वॉल्यूम, टैंक के वॉल्यूम में भी यही फॉर्मूला यूज होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इनको कैपिटल से कर लीजिए ताकि पता चले कि टैंक के हैं, और इसको स्मॉल से सब डिनोट करिए ताकि पता चले कि पाइप का है। अब देखिए, पाइप का आपको रेडियस तो पता है और टैंक में रेडियस भी पता है, हाइट भी पता है, लेकिन पाइप में आपको हाइट नहीं पता है, यानी एच कह सकते हैं कि पाइप की कितनी लंबाई का पानी जाएगा कि टैंक पूरा भर जाएगा, यानी कितनी लंबाई का इस पाइप का पानी उसमें जाए कि वो टैंक क्या हो जाए, भर जाए। इस हाइट को क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ पे आर स्क्वायर एच इक्वल टू आर स्क्वायर एच। ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर यानी ये जो पाइप कनेक्ट किया गया है इसका रेडियस, तो ये दिया है 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10 अपॉन 100 और अपॉन सॉरी स्क्वायर इंटू एच। एच क्या होगा, यानी ये जो पाइप है ये कितनी लंबी पाइप रहेगी कि उतने पानी जाएगा इसमें तो ये पूरा टैंक क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो ये जो एच को यहाँ से फाइंड किया जाएगा, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर उसमें कितना है, इस टैंक का रेडियस है, तो टैंक का रेडियस कैपिटल आर कर लीजिए, 5 मीटर गिवेन है, 5 स्क्वायर, और टैंक की जो हाइट है वो गिवेन है 2 मीटर। अब इनको यहाँ से एच की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये हो जाएगा 1 अपॉन, नीचे हो जाएगा 10, तो 1 अपॉन 10 स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा 25 इंटू 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन 100 इंटू एच, ये हो जाएगा 50, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एच इक्वल टू आ जाएगा 5000 मीटर। यानी देखिए, ऐसी पाइप अगर 5000 मीटर लंबी हो तो क्या होगा, उस पूरे पानी से ये टैंक पूरा भर जाएगा। अब ये एच 5000 निकालने का मतलब क्या था, कि आपको ये बताना था कि वो टैंक कितने टाइम में भरेगा, ठीक है। तो टाइमिंग हम कैसे निकालेंगे, अब जानते हैं कि इसमें जो पानी, इसमें जो फ्लो हो रहा है वो 3 किमी पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है, यानी 1 आवर में पानी कितना जा रहा है, 3 किमी, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 आवर में पानी 3000 मीटर जा रहा है। मीटर में बोलेंगे तो 3000, किलोमीटर में बोलेंगे तो 3 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन पाइप की डायमेंशन कितनी रहनी चाहिए ताकि उतने डायमेंशन का पूरा पानी उसमें जाए टैंक में, तो टैंक भर जाए, पता चल गया यहाँ से 5000 मीटर, ठीक है। तो पानी को 5000 मीटर दूर जाने में, यानी ये पानी इसी पाइप में जा रहा है और उस पानी को 5000 मीटर दूर जाने में जो टाइम लगेगा वही टाइम क्या हो जाएगा, इस पूरे टैंक के भरने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि पानी को 5000 मीटर रन करने में जो टाइम लगेगा और ये पानी जाएगा तो पूरा टैंक क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो पहले यहाँ से फाइंड कर लेते हैं कि 5000 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 आवर में 3000 मीटर, या कह सकते हैं कि 3000 मीटर के लिए 1 आवर टाइम लग रहा है, तो 1 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, कम टाइम लगेगा, 1 मीटर जाने में 1 अपॉन 3000 आवर लगेगा। तो कितना मीटर में बताना है, यानी 5000 जाने में पानी को कितना टाइम लगेगा, तो 5000 जाने में ज़्यादा समय लगेगा, तो इसमें 5000 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री जीरो से 3 जीरो
कैंसिल, यहाँ पे बचा 5/3 आवर। आवर को मिनट में करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 5/3 इंटू 60। अब इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा 3, 20 चांस में, यानी ये बचा 5 और यहाँ आ गया 20, तो हो जाएगा 5 इंटू 20। और 5 का जब 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 100। 100 अब किस में आ जाएगा, ये आवर में था, और 60 में आप मल्टीप्लाई किए तो ये मिनट में आ जाएगा, यानी ये आपका जो पूरा टैंक को भरने का जो टाइम हो गया वो 100 मिनट हो गया। एक बार इस क्वेश्चन को और अच्छे समझ लीजिए कि यही बोला गया कि एक फार्मर है और ये एक पाइप को एक अपने खेतों में बने टैंक से कनेक्ट कर देता है, ठीक है। पाइप का डायमेंशन गिवन है, यानी पाइप का जो इंटरनल डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, तो इसको हम रेडियस कर लेंगे 10 सेंटीमीटर। और जो टैंक है इसका भी डायमेंशन गिवन है, यानी इसमें डायमीटर दिया था 10 मीटर, तो इसको हाफ कर दिए तो 5 मीटर रेडियस हो गया टैंक का, और इसका हाइट जो था वो 2 मीटर टैंक का गिवेन है। अब देखिए पूछा था कि इस पाइप को भरने में कितना समय लगेगा, और इसमें जो पानी जो फ्लो हो रहा है इस पाइप में वो 3 किमी पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करिएगा कि वॉल्यूम ऑफ पाइप पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ टैंक दोनों तुरंत इक्वल कर दीजिएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगाने का मतलब ये था कि दोनों सिलेंड्रिकल के फॉर्म में हैं तो दोनों में सिलेंड्रिकल वाला फॉर्मूला यूज होगा। इसमें कैपिटल और स्मॉल आर इसलिए डिनोट किए हैं ताकि पता चले कि कैपिटल से टैंक वाला हो गया और स्मॉल लेटर से पाइप वाला हो गया सिस्टम। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि जब इसमें सारी वैल्यू दिया हुआ है, टैंक का देखिए रेडियस गिवेन है तो रेडियस को यहाँ पर रख सकते हैं, हाइट भी गिवेन है, और यहाँ से एच फाइंड कर लेंगे, किसका एच, यानी इस पाइप का एच मतलब लेंथ, इस पाइप की कितनी लेंथ होगी। अब लेंथ फाइंड क्यों करते हैं, क्योंकि दिया गया है कि जो पानी जा रहा है 3 किमी पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि लेंथ जितना आ जाती है तो हमारा वो डिस्टेंस बन जाता है और ये स्पीड बन जाता है पानी का। और जब डिस्टेंस और स्पीड पता चल जाता है तो आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम को आप कैलकुलेट कर लेंगे तो जितना टाइम आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि उतना टाइम तक ये पानी इसमें पाइप में जाएगा तो ये 5000 की क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेगा, और जैसे ही 5000 की डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेगा वैसे ही इस पूरे गए हुए पानी का वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो टैंक है इसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। और जब वॉल्यूम इक्वल हो गए तो टैंक पूरी तरीके से फुल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले वॉल्यूम को इक्वल करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं।